और सरकार और किसानों के बीच आज पांचवे दौर की बैठक है और दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में इस बैठक को किया जाएगा। आज बातचीत के बाद ही आंदोलन खत्म हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और लगातार अपनी इस मांग के लिए अपनी आवाज बुलंद किए हैं, सड़कों पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच आज पांचवे दौर की ये अहम बैठक दोपहर 2 बजे होगी। विज्ञान भवन में तय वक्त रखा गया है इस बैठक का। आज बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो सकता है, इसकी गुंजाइश भी बनी हुई है, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। दरअसल किसान जो है कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कानून की तरफ से यहीं के बिल वापसी हो, उम्मीद तो है आज मसला हल होना चाहिए। संवाद से ही खत्म होगा विवाद, सरकार किसान दोनों को उम्मीद। 10वां दिन 5वां राउंड खत्म होगा आज किसान आंदोलन। बीच सड़क और आधी रात पर किसानों का ये जोश इशारा कर रहा है कि किसान आंदोलन का आज आखिरी दिन होना चाहिए। किसान इसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार भी अन्नदाता की बात शांति से सुन रही है और समाधान की बात कर रही है। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। अब तक 4 दौर की बातचीत में हर बार मामला समाधान की ओर जाता ही दिख रहा है। सरकार ने अन्नदाताओं की पूरी बात सुनी है और उन्हें समझाने की हर कोशिश की, न मानने पर उनकी मांग पूरी करने तक का भरोसा भी दिया है। किसानों के दिल्ली कूच के बाद हुई 2 मैराथन बैठकों के बाद आज तीसरी बैठक खुशखबरी लाती दिख रही है। सारे ना फुल संजोग उम्मीद कर दें कि अपना मसला जल्दी हल होगा, परमात्मा करूंगा। सरकार और किसान का रवैया इशारा कर रहा है कि आज की बातचीत आखिरी होगी और आज शाम तक किसान अपना धरना खत्म करके अपने अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन और तेज हो सकता है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर इसका इशारा भी कर दिया है। 8 तारीख को पूर्ण तौर से भारत बंद होगा, सारा इंडिया बंद होगा, भारत बंद होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह किसानों को समर्थन कर उनकी सहानुभूति हासिल करने की हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इन सब राजनीति पर केंद्र सरकार पूर्ण विराम लगाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।